नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु शॉर्ट्स। दोस्तों, आज हम लोग वास्तु दोष निवारण के लिए कुछ बहुत सरल उपायों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये जो उपाय हैं, ये बिना तोड़फोड़ के उपाय हैं, बिना किसी बड़े खर्च के उपाय हैं। और खास तौर पर अगर कोई व्यक्ति भवन का निर्माण कर रहा हो, अगर इन सिद्धांतों का ध्यान कर ले, तो मैं समझता हूँ कि जीवन उनका बहुत खुशहाल हो सकता है, उनका घर जो है वो सदैव वास्तु दोष रहित हो सकता है। तो आज हम लोग कुछ ऐसे ही सरल उपायों के बारे में जानकारी करेंगे। शयन कक्ष में कभी भी दर्पण आप न लगाएं। यदि लगाना ही चाहते हैं तो इस प्रकार लगाएं कि आप उसमें प्रतिबिंबित ना हो, आपका उसमें रिफ्लेक्शन न दिखाई दे। अन्यथा प्रत्येक दूसरे वर्ष किसी गंभीर रोग से, कष्ट से सामना करके आप बीमार रहें, अस्पताल जाएं, सर्जरी हो, इसके लिए आपको मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। भवन की दक्षिण अथवा दक्षिण पूर्व दिशा, जिसे आग्नेय कोण कहते हैं, किसी भी प्रकार का वास्तु दोष अगर यहां पर है, तो उसकी निवृत्ति के लिए उस दिशा में तांबे धातु का अग्निहोत्र, हवन कुंड अथवा उस दिशा की दीवार पर लाल रंग से अग्निहोत्र का चित्र आपको लगाना चाहिए। यानी हवन करते हुए एक फोटो आपको रेड कलर का प्रिंट करा करके वहां पे लगाना चाहिए, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आग्नेय कोण में। और तांबे का बना हुआ हवन कुंड ला करके वहां स्थापित करना चाहिए, रख देना चाहिए। समय समय पर वहां अगर आप अग्निहोत्र करते रहें, हवन वगैरह करते रहें, तो आपको इसका बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। क्योंकि वो स्थान जो है वो अग्नि का स्थान है, हवन वगैरह करने से वो जागृत होगा, तो आपके घर की ऊर्जा जो है अपने आप बैलेंस हो जाएगी। सीढ़ियां सदैव दक्षिणावर्त अर्थात उनका घुमाव बाएं से दाहिनी ओर होना चाहिए, यानी घड़ी चलने की दिशा में होना चाहिए। वामवर्त यानी बाएं को घुमावदार सीढ़ियां जीवन में अवनति की सूचक होती हैं। इससे बचने के लिए आप सीढ़ियों के सामने की दीवार पर एक बड़ा सा दर्पण लगा सकते हैं, जिसमें सीढ़ियों की प्रतिछाया दर्पण में पड़ने लग जाए। मेरे घर में जो है, एक जगह हम लोग किराए पे शिफ्ट हुए थे जब शुरू शुरू में नोएडा में आए, तो हमें जल्दीबाजी में एक ऐसा घर मिला जहां सीढ़ियों का दोष था। तो फिर उसमें हम लोगों ने यही किया कि एक बड़ा सा शीशा सीढ़ी के ठीक सामने ला करके लगा दिया, और उसका दोष खत्म हो गया, उसका रिफ्लेक्शन उसमें दिखने लग गया, वो दोष खत्म हो गया। तो ये बहुत आसान तरीका है बिना तोड़फोड़ के सीढ़ी के दोष को दूर करने के लिए। अब आप कांच लगा देंगे, दर्पण लगा देंगे, तो उसका जो व्यू उसमें दिखेगा, उससे वो उसकी दिशा जो है अपने आप परिवर्तित हो जाती है, वो दोष दूर हो जाता है। भवन में प्रवेश करते समय सामने की तरफ शौचालय अथवा रसोई घर नहीं होना चाहिए। वास्तु का ही नियम है कि घर में एंट्रेंस पे ही अगर कोई व्यक्ति आपके घर में घुस रहा है, तो सामने टॉयलेट या किचन ये बिल्कुल नहीं दिखाई देना चाहिए। इसके साथ साथ कहते हैं कि आंगन भी नहीं दिखाई देना चाहिए। अगर ऐसा दिखता है तो आपके घर की सारी लक्ष्मी जो है, ऐश्वर्य जो है, वह चला जाता है। यदि शौचालय दिखता हो तो उसका दरवाजा सदैव बंद करके रखें, और दरवाजे पर आप एक दर्पण लगा दें बाहर की तरफ मुख करके, मेन गेट की तरफ। यदि द्वार के सामने रसोई है, तो उसके दरवाजे के बाहर आप अपने इष्ट देव या फिर ओम या स्वास्तिक का चिन्ह अंकित कर दें, या कोई तस्वीर ला करके, कोई स्टिकर वगैरह लगा दें। शुभ चिन्ह स्थापित करने से उसका कोई भी दोष फिर नहीं रह जाता है। आपके भवन में जो जल का स्रोत है, जैसे नलकूप, कोई टैंक वगैरह, हौज वगैरह, उसके आसपास गमले में तुलसी का पौधा आपको अवश्य लगाना चाहिए। अगर उसका कोई दोष है, तो अगर गलत दिशा में टैंक बन गया, बोरवेल बन गया, तो उस दोष को दूर करने के लिए तुलसी का पौधा बहुत चमत्कारी रूप से काम करता है। आकस्मिक धन हानि, खर्चों की अधिकता, धन का संचय न हो पाना इत्यादि जैसी परेशानियों से बचने के लिए घर के अंदर अलमारी और तिजोरी इस स्थिति में रखनी चाहिए कि उसके कपाट उत्तर और पूर्व की दिशा की तरफ खुलें। जब भी आप अलमारी खोलें, तो उत्तर या पूर्व की तरफ खुलना बहुत ही शुभ माना गया। उत्तर और पूर्व दोनों दिशाएं जो हैं, वो लक्ष्मी जी और कुबेर देवता की दिशाएं हैं, इससे धन में वृद्धि होती है। भवन का मुख्य द्वार यथासंभव लाल, गुलाबी या सफेद रंग का अगर आप पेंट करा करके रखेंगे, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिण पश्चिम दिशा में अधिक भार या सामान रखें। इस कोण को भार वहन क्षमता, इस कोण की जो भार वहन की क्षमता है वो अधिक है, तो दक्षिण और पश्चिम को सदैव भारी चीजों से, खासतौर पे अलमारियों वगैरह को रख करके, जो पहले पुरानी मेटल की अलमारियां चलती थी लोहे वाली, वो आप रख सकते हैं। या अगर दीवार में वार्डरोब बनाना है, तो साउथ में और वेस्ट में बनाएं, वो सबसे उचित होता है। अगर आप ऐसा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं या ऐसा वास्तु कर लेते हैं कि वहां अलमारी वगैरह रखते हैं, तो घर की ऊर्जा अपने आप फिर बैलेंस होने लगती है। दक्षिण पश्चिम को भारी होना ही चाहिए। जिस घर की स्त्रियां अधिक बीमार रहती हों, उस घर के मुख्य द्वार के पास ऊपर चढ़ती हुई बेल लगानी चाहिए। इससे परिवार के स्त्री वर्ग को शारीरिक मानसिक व्याधियों से छुटकारा मिल जाता है।
रसोई यदि गलत दिशा में बनी है और उसे आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में बनाना संभव न हो पा रहा हो तो गैस सिलेंडर अवश्य रसोई के दक्षिण पूर्व के कोने में आप रखें। रसोई को कभी भी स्टोर में आप परिवर्तित न करें, रसोई में आप स्टोर न बना लें, अन्यथा गृह स्वामिनी को तनाव, परिवार में किसी न किसी सदस्य को रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, शुगर, आंखों से रिलेटेड प्रॉब्लम अथवा पेट में गैस इत्यादि समस्या लगी रहने वाली है, वो सदैव बीमार रहने लग जाएंगे। ध्यान ये भी रखना चाहिए कि कभी भी अध्ययन स्थल के पीछे दरवाजा या खिड़की आदि नहीं होनी चाहिए, यदि है तो मन अशांत रहेगा, क्रोध और आक्रोश का सृजन होता रहेगा जिससे कि सफलता पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। जबकि भवन की उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके आपको बनाने की स्थिति नहीं बन पा रही है, अध्ययन स्थल आप नहीं बना पा रहे हैं ईस्ट या नॉर्थ की तरफ, तो आपको प्रयास करना चाहिए कि उत्तर पूर्व में बैठ करके पढ़ाई आप करें, इससे सफलता आपको बहुत अच्छी मिलने लग जाती है। और उत्तर पूर्व में अपना स्टडी टेबल लगा करके खासतौर पे बच्चों के लिए अगर ईशान कोण में या उत्तर या पूर्व की दिशा में स्टडी टेबल लगाते हैं, अपना स्टडी रूम बनाते हैं, तो उससे आपका कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई में आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में कि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए ही पढ़ता है, जो कुछ भी थोड़ा सा भी पढ़ता है वो ज्यादा समय तक उनके दिमाग में रहता है, उनके कंसंट्रेशन इतना अच्छा हो जाता है कि थोड़ा पढ़ा हुआ भी ज्यादा समय तक याद रहता है, तो इसका प्रभाव बहुत अच्छा है। अगर आपको अच्छे रिजल्ट लाने हैं तो प्रयास करना चाहिए कि घर के नॉर्थ ईस्ट में, नहीं तो अपने कमरे के नॉर्थ ईस्ट में आपको अपना स्टडी टेबल वगैरह, स्टडी रूम वगैरह बना करके पढ़ने का, अध्ययन का प्रयास करना चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि शास्त्र से जुड़ी हुई बातें, ज्ञान की बातें जो आपको हमारे YouTube चैनल से प्राप्त होती हैं वो निश्चित ही पसंद आती होंगी। आप सभी से बार बार आग्रह है कि जब भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें, और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए। इसी शुभकामना के साथ कि आपका दिन शुभ हो, मुझे आज्ञा दीजिए, देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रो वास्तु शॉर्ट्स। नमो नारायण।